जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत यात्रा के एक और नए ब्लॉग में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अभी मैं फ़िलहाल में हूं उत्तराखंड के जंगल में। इस गांव का मुझे पता नहीं है। और यहां पर एक गंगा जी बह रही है। गंगा जी के किनारे यहां पर एक आप देख सकते हो यहां पर भंडारा लगा हुआ है। तो भाई मैं रुका हुआ था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था घूमने के लिए। ये नदी के किनारे बढ़िया अच्छा लगता है, काफ़ी घना जंगल है और मौसम भी काफ़ी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ गंगोत्री। तो गंगोत्री यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर दूर। और आज मैं आपको 100% जैसे तैसे भी आपको मैं दर्शन करा दूँगा। और जो ब्लॉग अपना बहुत ही मज़ेदार होवे वालो है वो तो बढ़िया देखत रहे हो आराम से। और थोड़ी बहुत मन हो तो थोड़ी बहुत सपोर्ट भी करो अपने छोटे भाई। और बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे दिखाऊंगा इस ब्लॉग में मैं काफ़ी, क्योंकि मैं गंगोत्री के पास हूँ, मतलब गंगा मैया के दरबार में ही हूँ। और यहाँ से भी गंगा मैया बह रही हैं। तो मैंने 5-6 दिन से नहाया भी नहीं है, तो मैंने एक ही सोच बना ली, सिर्फ नहाऊँगा तो गंगा मैया के दरबार में ही। तो मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए और भी गीले हो गए कपड़े। तो आज घाम निकला है, तो आज मैं जहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ तो आज सुखा नहीं पाऊँगा। तो फिर वहीं देखेंगे जो भी होगा। तो ठीक है, तो दोस्तों जहाँ का सिनेमेटिक दिखा के आपको तुरंत नाश्ता पानी करके मैं निकलता हूँ। जय भोले जी। तो दोस्तों नाश्ता में है हलवा, चना और चाय। तो भाई साहब आज मैं बढ़िया भंडारों खा कर और एक नंबर तरीके से निकल चुका हूँ। और यहाँ रास्ते में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर सेवफल की बहुत खेती हो रही है यार। बहुत जगह सेवफल ही सेवफल लगे हुए हैं। ये सारे बिल्कुल सेवफल के पेड़ हैं, इधर से लेकर इधर तक पूरे यहाँ पर ज़्यादातर सेवफल की खेती हो रही है। और गंगा जी बह रही है, गंगा जी के ऊपर साइड जो भी क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर काफ़ी सेवफल हो रहा है। विचार तो हो रहा है, देखो भूख नहीं लगी, नहीं चोरी भी कर लेता मैं। अभी मैं से भंडारा खा के आया हूँ मैं। यदि हाँ भूख लगी होती तो हनुमान जी महाराज की कृपा से अपन भी थोड़ी बहुत फल खा लेते, पर अभी भूख नहीं लगी। और फिर चोरी करो बिना भूख लगे फलों की तो अच्छो नहीं लगे। तो अपन बाद में देखेंगे, वो भूख लगेगी तो फिर अपन बगिया में अपन भी चले जाएंगे। और काफ़ी मौसम बहुत बढ़िया है। और अभी 19 किलोमीटर बची है गंगोत्री, 1 किलोमीटर में चला आया हूँ। तो आज मैं शायद शाम तक चल जाऊंगा और शाम तक आपको गंगा मैया के दर्शन करा सकता हूं मैं। जैसे ही भोलेनाथ की कृपा होगी वैसा करेंगे। जय बम बम जय भोले की। तो दोस्तों कुछ भाई साहब लोग पूछ रहे थे, कहले नरेन भाई तुम विदाउट मनी भारत की यात्रा कर रहे हो कैसे? तो भाई देखो मैं बताऊँ, मैं तो हूँ भोले का भगत और झूठ आपसे बोलूँगा नहीं। क्यों झूठ बोल के ना तो आप मुझे कुछ देने वाले और ना कुछ मुझे मिलने वाला। तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, अभी मेरी फ़िलहाल में जेब में 10 रुपये हैं। और 10 रुपये मुझे पूरा गंगोत्री घूमना है, यमुनोत्री घूम रहा है और उत्तराखंड से सीधा मध्य प्रदेश जाना है। तो ये पैसे खाने पीने और दुनिया की सारी समस्या मैंने भोलेनाथ पर छोड़ दिया है। और मुझे भूख लगने से पहले 10 कदम पहले खाना मिल जाता है, सच बता रहा हूँ। अभी मुझे 4th महीना चल रहा है और भोलेनाथ की कृपा से अभी तक मैं भूखा नहीं सोया। तो मैं पूरी तरीके से भगवान पर डिपेंड हो चुका हूँ। तो मेरी सारी व्यवस्था भगवान कर देते हैं और मैं बिल्कुल खाली हाथ निकला था और खाली हाथ चल रहा हूँ। और सब कृपा सिर्फ भोलेनाथ की है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, यदि आप पे एक बार भगवान में विश्वास हो गया ना तो भाई साहब फिर आप दुनिया की कोई समस्या नहीं रोक सके। तो मेरा काम है कर्म कर वो, मेरा काम है घूम वो। तो मैं घूम रहा हूँ और सारी समस्या भगवान पर छोड़ रही हैं। तो आप भी अपने देश घूम सकते हो, बहुत सारी सुंदरता है, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आने यहाँ पे।
और मैं भी एक ही दुआ कर रहा हूँ भोलेनाथ आपकी भी यात्रा सफल करें जैसा मेरी कर रहा है। जय भोले की। तो भाई साहब मैं निकला था 8 बजे और अभी 12 बजने वाले हैं, पैदल ही चल रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया जंगल है। जय भोले की। तो लिफ्ट तो मांगी थी 2 बार तो मिली नहीं है और आज थकावट नहीं हो रही यार, ना पसीना आ रहा हो और लगभग मैं 8-9 किलोमीटर चला हूँ वो, तो चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया पहाड़ है। जय भोले की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया भोलेनाथ का नाम लेते लेते यात्रा एक नंबर चल रही है, आज तो थकावट भी नहीं हो रही, तो बढ़िया चल रहा हूँ। आज पैदल शाम तक पहुँच जाऊँगा मैं, लगभग 15 किलोमीटर और होगी। गंगोत्री कितनी किलोमीटर और होगी? शायद 12। जय भोले की। तो 12 है लगभग, मैं 8 किलोमीटर चला आया हूँ, वहाँ से 20 किलोमीटर थी तो मैं 8 किलोमीटर चला हूँ। फिर भी बड़े भैया यहाँ से गंगोत्री की यात्रा करके आ रहे हैं, उनसे पूछा था तो 12 है, तो 12 भी पहुँच जाएंगे जल्दी से ही। जय भोले की। तो भाई साहब अभी मैं आ चुका हूँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस कोपांग चौकी देवभूमि पर, आपका आगमन है। तो भाई साहब जब मैं वहाँ से निकला था तब मेरे पास थे 10 रुपये और यहाँ पर एक गंगोत्री की टीम यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करके नीचे जा रहे थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये 100 का दे दिया कि लग भाई रख ले यार। तो ऐसी होती है भोले की कृपा, मैंने बहुत मना किया, मैं बहुत मना करता हूँ, मैंने कि भाई भगवान सारी व्यवस्था करा देते हैं, ये तो मैं इनको कोई चीज़ नहीं समझता, पर हैं लक्ष्मी माता जी हैं तो भगवान के अपन भगत हैं तो अपनी व्यवस्था हो जाता है, जिनकी बहुत ही कम है ज़रूरत पड़े, और ज़रूरत पड़ता है देखो अब कभी ज़रूरत होगी 100 रुपये की तो लक्ष्मी जी अपन पर वैसे ही प्रसन्न है, तो यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो सभी लोगों को जय भोले की। कितने किलोमीटर हो रहा है गंगोत्री? 12 किलोमीटर। ठीक है, जय भोले की। जय। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या है? ये मेरा बोर्ड है भारत यात्रा का, विदाउट मनी ट्रैवलिंग भारत यात्रा, मैं भारत देश घूम रहा हूँ, ऑल इंडिया ट्रिप पर हूँ। हाँ ठीक है। तो विदाउट मनी ट्रेवलिंग? हाँ विदाउट मनी हो जाता है, मंदिर गुरुद्वारे धर्मशाला आश्रम है, भोलेनाथ की कृपा है, सारी व्यवस्था हो जाती है। जय भोले की। जय भोले। ठीक है तो चलो चलते हैं, और काफ़ी मस्त सिनेमेट। तो भाई साहब गंगोत्री धाम यात्रा के रोड भी बड़े खतरनाक हैं, देख सकते हो ऐसे, यहाँ से गंगा जी लगभग 1 किलोमीटर नीचे बह रही होंगी, यहाँ से देख सकते हो कितना जूम करना पड़ेगा, मुझे दिखेंगी भी नहीं, और यहाँ से इसी को रोड को मतलब पत्थर को काट कर ये रोड बनाया गया है, और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और गिरने का बहुत डर है, देख सकते हो आप कैसे झिले हुए हैं, और ये सब भगवान की कृपा है जो गिर नहीं रहे हैं, नहीं पूरा पहाड़ फिसल जाएगा तो रोड का रोड नीचे जा सकता है, यहाँ से हमेशा के लिए मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, पर देखो गंगा मैया की यहाँ पर काफ़ी कृपा है, तो काफ़ी इतने बड़े बड़े पत्थर आशा उम्मीद पर टिके हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया सिनेमेटिक है, अच्छा लग रहा है, चल ही रहा हूँ, एक भी लिफ्ट नहीं मिली अभी। जय भोले की। फर्स्ट लिफ्ट तो मिल गई थी पर 2 मिनट के लिए मिली थी बस, तो लगभग 1.5 किलोमीटर के लिए तो मिली थी। अभी मैं आ चुका हूँ भैरव घाटी, यहाँ पर प्राचीन भैरव मंदिर है भैरव घाटी पे, तो अभी मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने 5-6 दिन से नहाया नहीं है, तो मैं गंगा जी में नहा के स्नान करने के बाद लौटते टाइम यहाँ पर घूमूंगा, और लगभग यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो यहाँ पर भंडारा सूतूंगा क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, लगभग 13 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ।
पैदल ही आया हूँ, आज लिफ्ट मिली थी 2 मिनट के लिए। तो कोई नहीं, भोलेनाथ कृपा है, आज थकावट नहीं हो रही। जब मैं ज़्यादा थक जाता हूँ लगता है तो लिफ्ट मिल जाती है। चलो तो यहाँ पर भंडारा सुनते और फिर चलते अपन जय भोले की। तो भाई साहब यहाँ पर चल रहा है भंडारा, शिव पांडव समिति जो कि दिल्ली द्वारा यहाँ पर भंडारा चल रहा है जय भोले की। तो यहाँ पर भंडारा खा के मैं निकलता हूँ, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है गंगोत्री और बढ़िया आराम से पहुँच जाएंगे अपन। थोड़े भूख भी लगी आई थी, 11 किलोमीटर पैदल हो गया, तो यहाँ से भंडारा खा के फिर सीधा चलते हैं जय भोले की। तो भाई साहब भंडारा खा के फिर से मैं निकल चुका हूँ और काफ़ी हल्की हल्की बारिश होने लगी है, पानी आने की संभावना है। हाँ तो एक कुछ लोग बोल रहे थे, तो भाई मैं सच में पता लगा लेता हूँ यहाँ से कब बारिश होने वाली है। तो मैं हवा और यहाँ के बादल देखकर समझ जाता हूँ कि बारिश होने वाली है और आगे मैं जा रहा हूँ, ज़रूर बारिश होगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि कुछ ऐसी टाइप की हवा चल रही है और पूरा जंगल ही है। यहाँ से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा जय भोले की, चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, देखो बारिश शुरू हो गई, मुझे पता नहीं अचानक से पता चल जाता कि अब बारिश होने वाली है, तो मैंने ये बता दिया। वहाँ से गंगोत्री है 8 किलोमीटर, गोमुख 26 किलोमीटर और नैलोंग और यहाँ से तिब्बत का रास्ता ऊपर से हुआ है, तिब्बत ऊपर से जा सकते हैं। और ये देखिए बारिश होने लगी, कहा था भाई कि मुझे पता चल जाता है बारिश कब होने वाली, बस भोले की एक कृपा है, जय भोले की। यहीं रुकते हैं कहीं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की नैलोंग घाटी में, आपका स्वागत है। ये आप रोड देख रहे हो, ये वाला, ये यहाँ से कोई अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि ये तिब्बत बॉर्डर पर जाता है। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर लगभग 23 किलोमीटर है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्थल का नाम भैरव घाटी, यहाँ पर मंदिर भी है। और यहाँ से तिब्बत की सीमा में आप यहाँ से अपने भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं और किसी को परमिशन लेकर जाना पड़ता है यहाँ से। और यहाँ से गंगोत्री का रास्ता है 8 किलोमीटर और हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं फिर जा रहा हूँ। और यहाँ जाने का विचार तो था मेरा, तो तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बत देखना था, पर मेरे पास क्या पैसे भी नहीं हैं और ये मैं परमिशन भी नहीं ले पाऊँगा अभी जाने के लिए। तो बढ़िया अभी तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, अभी तो गंगोत्री जाऊँगा, वहाँ से गंगा मैया के दर्शन करके फिर अगली बार ज़रूर आऊँगा तिब्बत बॉर्डर घूमने के लिए जय भोले की। दोस्तों मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा था गंगोत्री यात्रा का, 7 किलोमीटर बची है और यहाँ से नीचे मेरा ये भारत यात्रा का बोर्ड गिर चुका है, ये डला हुआ है। और यहाँ से काफ़ी रिस्क है यार, यदि गया नीचे तो 3-4 किलोमीटर नीचे यहाँ पर पूरा जंगल है, पर मैं भोलेनाथ का नाम लेके यहाँ से उतर के जा रहा हूँ यार, अब देखो क्या होता है। अब थोड़ी रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ बनवाऊँगा मैं। तो यहाँ पर ये मेरे बैग में रख दिए हैं मैंने, थोड़ी सी बारिश भी हो रही है तो इतने कपड़े पहन के और भोजन लेके तो नहीं जा सकता मैं, पर यहाँ से जाना बड़ा कठिन है मेरा भाई, तो यहाँ से उतर के जाना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों मैं उतर के तो आ चुका हूँ यहाँ तक और अब यहाँ से तो जा नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी रिस्क है और छड़ा है नहीं है और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मैं उठा रहा हूँ, देखो आ जाए तो भगवान की कृपा जय भोले की। ओ भोले, और नीचे चला गया भाई। और यहाँ से एक तो मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा यार, और एक तो बहुत ख़तरनाक पेड़ है ना ये, और यहाँ से रेसक जाऊँगा ना तो फिर संक्रमण ही हो जाएगा। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। और भाई साहब हवा बहुत तेज चल गई। ओ भोलेनाथ जय भोले, ओ भोले भोले भोले। तो भाई अब मैं इतनी रिस्क नहीं ले सकता, ये गया बोर्ड मेरा, अब वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और देखता हूँ व्यवस्था वहाँ जाने की हो जाए तो, क्योंकि यहाँ से तो नहीं जा सकता भाई मैं, क्योंकि नीचे चला जाऊँगा। तो भाई साहब आज तो यार अब मुझे दूसरा बोर्ड बनवाना पड़ेगा, एक तो बोर्ड बना बना के मैं थक चुका हूँ यार। चलो कोई नहीं, अब ऊपर चलता हूँ, नहीं यहाँ से क्या फिसलने का बहुत डर है और इतने ऊँचे से तो मैं आया था, एक तो यहाँ से चढ़ के
अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं गया बोर्ड तो भाई साहब भारत यात्रा का बोर्ड तो गया और वो डला इतने नीचे और उठाने गया था मैं और नहीं आ पाया, तो मैं चलता हूँ। बारिश तेज हो गई और ये कपड़े भी भीग रहा है यहाँ पर और मोबाइल भी भीग जाएगा। जय बोले कि जल्दी से लिफ्ट में दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ गंगोत्री। और जैसा ही मेरा बोट खाई में गिरा था तो थोड़ा मैं सैड हो गया था, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ के आया तो एक ट्रक वाले भैया ने मुझे यहाँ पर लिफ्ट दे दी थी और सीधा गंगोत्री छोड़ दिया था। और अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ माता रानी के दर्शन कराने, और यहाँ से सारा मार्केट और सारी व्यवस्थाएँ बताऊँगा, कहाँ आप रह सकते हो, कहाँ खाने की पीने की व्यवस्था है, कैसा का है। तो ब्लॉग बिल्कुल पूरा देखना, इसमें सारी जानकारी आपको मैं दे दूँगा। जय बोले कि चलते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों ये है मेन गेट जहाँ से आप गंगोत्री यानी गंगा मैया के दर्शन करने जाओगे, और चलो अपन चलते हैं। और ये पूरा मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर निःशुल्क चिकन साला भी है, यदि आपको सर्दी जुकाम होते हैं तो आप यहाँ इलाज करवा सकते हो। और ये बढ़िया मार्केट है, यहाँ से आप जल के लिए आप ये बोतल वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए अपनी हिंदुस्तान की शान, जय हिंद। और काफ़ी बढ़िया मार्केट है, चलो तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में से मन हो रहा था एक आध टी शर्ट ले लूँ, तो यार यहाँ पर फोन पे नहीं हो रहा, और मेरी जेब में सिर्फ 110 रुपये हैं और उनसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर काफ़ी महंगाई भी है और यहाँ पर फ़ोन पे नहीं हो रहा यार मैं, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ थोड़ी बहुत रुपए हैं, मैं कपड़ा ख़रीद सकता हूँ, पर मेरे लिए पहनने के लिए नहीं है, तो मैं यही कपड़े पहनूँगा मैं नहा के जो पहने हुए हैं, और तो सारे कपड़े मेरे ख़राब हो गए। तो बस माता रानी के दर्शन कराने वाला हूँ, मंदिर आ ही गया है, यहाँ से आप देख सकते हो कुछ देर के बाद मैं आपको बढ़िया अच्छे तरीके से दर्शन कराता हूँ। और कपड़े तो ले नहीं पाऊँगा, वही पहनूँगा जय बोले कि, कोई दिक्कत ना है। तो दोस्तों मैंने एक महाकाल की ये टी शर्ट ले ली, काफ़ी दिन से 8-9 दिन हो गए मुझे एक ही कपड़ा पहना हूँ मैं, तो गंगा मैया के दर्शन करने जाऊँगा तो धुले कपड़े पहनना जरूरी है। एक चड्डा धुला रखा हुआ है और तो सारे कपड़ों का भंडार हो चुका है मेरे, तो मैंने सोची यार अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतने दिन से गंदे हो रहे हैं ये कपड़े, तो कुछ अच्छे कपड़े पहन कर नहा कर दर्शन करने जाऊंगा मैं। जय बोले कि चलते हैं, मंदिर के पास में आ चुका हूं मैं, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूं गंगा मैया के घाट पर, और ये आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से गंगा जी बह रही हैं। और मैंने सोच लिया था, मैंने 8 दिन से इसलिए नहीं नहाया, मैंने सोच लिया था गंगा जी में ही नहाऊँगा, तो आज वो इच्छा भी मेरी भोलेनाथ ने पूर्ण कर ली। और अभी इन्हीं बरसात का टाइम है इसलिए थोड़ा माटी मिलौना पानी आ रहा है, पर गंगा जी का भी जैसा भी पानी हो बस एक बार शरीर से लग जाए तो वैसे ही तर जाते हैं। तो बढ़िया मैं यहाँ से नहाता हूँ और फिर आपको गंगा मैया के दर्शन कराता हूँ, देखता हूँ कौन से घाट पर लोग नहा रहे हैं, उसी घाट पर एक डुबकी मार के जय गंगा मैया की करके और आप बढ़िया गंगा मैया के दर्शन करा दें। काफ़ी भाव तेज है तो ज़्यादा खून के लाऊंगा नहीं मैं, तो थोड़ा सा ही ऐसा ही पानी डालूंगा ताकि शरीर समझ रहे हो जय बोलेगी। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ गंगा जी में नहाने, और काफ़ी भाव पर बहुत चिल्ड पानी है और काफ़ी लोग नहा रहे हैं मस्ती के साथ, मतलब एक एक डब्बा डालने में भी उचकने लगते हैं यार और काफ़ी भाव ज़्यादा है तो कूद के तो नहाऊँगा नहीं, तो बढ़िया बस जा रहा हूँ नहा कर फिर जल्दी से दर्शन कराता हूँ आपको, ठीक है जय बोले कि। तो दोस्तों आप देख सकते हो बोरी टांग टांग के मेरे दोनों साइड ये घिर्री पड़ गई हैं, काफी खतरनाक क्योंकि बहुत सारा वजन ढोता हूँ मैं, तो पर भगवान की कृपा है सब गंगा मैया में स्नान होगा बढ़िया, बहुत ठंडा पानी है वो भाई साहब और बहुत मजा आ रहा है। चलो एक आध बेर और डालता हूँ फिर बढ़िया आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी के। बोलो जय बोले की। और
तो दोस्तों मैं गंगा जी में नहा के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हूँ, और जो श्रद्धालु लोगों ने मुझे पैसे दिए थे ना, तो उनकी कृपा से मैंने बढ़िया ये धूप बत्ती खरीद ली है कुछ रुपए की, और कुछ रुपए का जो मेरा बोर्ड वहाँ पर नीचे गिर गया है खाई में, तो कुछ रुपए का वो बोर्ड बनवा लूँगा। मैंने बताया था कि अब मुझे शायद आवश्यकता होगी रुपयों की, तो भोलेनाथ किसी ना किसी के हाथ में ज़बरदस्ती मुझे रुपया दिलवा देते हैं। तो कोई नहीं, बस ये क्योंकि मैं सिर्फ धूप बत्ती चलाता हूँ भगवानों के लिए, मेरी मान्यता है कि इसकी खुशबू भगवान तक जाती है, इसलिए ज़्यादातर मैं धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाता हूँ। यहाँ तो अगरबत्ती मिली नहीं है, तो मैं धूप बत्ती लगाऊँगा माता रानी के लिए। और चलो तो आपको दर्शन कराता हूँ, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, और बहुत ही ठंडा पानी है भाई साहब, एक लोटा पानी में लोग छकने लगते हैं, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। कोई नहीं, तो बस अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया माहौल है, और बिल्कुल ये यहाँ पर ऊपर मंदिर है। तो बस 2 मिनट के बाद मैं माता रानी की आपको दर्शन कराने वाला हूँ, और जितने भी मंदिर हैं सिनेमेटिक है जहाँ का सब दिखाऊँगा। 1-2 दिन तक यहाँ रुकूँगा, और मैं ठीक है चलते हैं जय भोले की। तो दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने, और यहाँ से आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ मंदिर के। और काफ़ी बहुत ही सुंदर दृश्य है, काफ़ी शाम हो गई है, और शाम का नज़ारा ये माता रानी का आप देख सकते हो। दोस्तों मंदिर के दर्शन तो कराया मैं माता रानी के, गंगा मैया के, तो वहाँ पर ये धूप बत्ती नहीं लगानी थी, और ये भारी लगती है, तो ना तो अपन को प्रसाद चढ़ाने देते हैं, माता रानी तो बहुत अंदर रहती हैं, ना अपन उनको पास में जा सकते, क्योंकि पुजारी लोग भारी बैठ रहे थे, वही प्रसाद ऐसे मिक्सअप किया और डाल देते। चलो तो ये मैं भोलेनाथ के लिए चढ़ाऊँगा। दोस्तों मैंने आपको फाइनली माता रानी के दर्शन करा दिए, यानी कि गंगा मैया के।
और आप यहाँ से प्राचीन भागीरथ तपोस्थली भी बता दी और रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर भी बता दिया मैंने, गणेश जी भगवान के दर्शन भी करा दिए और यहाँ पर भोलेनाथ जी के भी दर्शन करा दिए मैंने, जहाँ की गंगा मैया को यहाँ से अपने सिर पर जटाओं में रख लिया था। तो वहाँ पर गणेश जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं और ये भागीरथ जी भी हैं और मतलब सब लोग हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा था वहाँ का भी। और अभी मैं गंगा मैया के यहाँ पर घाट पर खड़ा हूँ और काफ़ी सुंदर दृश्य है, चारों बगल आप देख सकते हो। और भाई साहब यहाँ आके बहुत ही शांति मिल रही है, सच बता रहा हूँ यार। गंगा जी के जल में नहा के ही मन गार्डन होगा, वैसे मन गार्डन तो है तो ही भोलेनाथ की कृपा से और भी अच्छी होगा जहाँ मान लो। तो अब दोस्तों आपकी बारी है, जो मेरा सफ़र था वो कैसा लगा आपको, माता रानी के दर्शन कैसे लगे और यहाँ का ये सिनेमेटिक था वो कैसा लगा, तो पूरे कमेंट में ज़रूर बता दियो, ठीक है। और फिर दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय भोले की, जय गंगा मैया की।